धूप भी तेज है, इस धूप में होता ही है। यहाँ चार चार रेफरी आप देख रहे हैं, ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। पांच रेफरी ईश्वर हंसदा, साथ साथ अनुपम निरूर और पालटन मुर्मू दुमका से और पाकुड़ से सोनेराम, जो कि झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा मान्यता प्राप्त निर्णायक है। सेकंड टेक्निकल मंच में एक रेफरी है जयतुरी और वीआईपी मंच में जो कि सबसे बड़े रेफरी जो क्षेत्र के और जिला के यहाँ राज्य स्तरीय लेवल के यहाँ एस दास है और फाइनल मुकाबला उसी के नेतृत्व में होगा। इसके मुख्य रेफरी यकीनन है पाकुड़ के सोनेराम हेमरम, जो कि बाईस खिलाड़ी की निगरानी करेंगे। यहाँ का घोषणा हो जाएगा इस मैच का, यानी फुटबॉल के जगत से, रेफरी के जगत से संन्यास ले लेंगे। कितने वर्ष तक? 27 वर्ष की कमजोरी है, क्योंकि फाइनल मुकाबला खेलेगा जीतने वाली टीम के साथ। टीम के स्टार्ट बोला डायरेक्ट ही, लेकिन वन बॉस के साथ डायरेक्ट गोलकीपर के दस्ताने में गिर जाता हुआ। यही ऊंचे लेवल के खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में जितेंद्र ने गोल किया था बहुत ही तेज तरीके से, हालांकि उपेंद्र को सफलता नहीं मिला है। श्री तेलगामा की ओर से शुरुआती क्षण है, शुरुआती क्षण में ही तेलगामा अपना रंग दिखा रही है। और इस बॉक्स में गए पेनल्टी एरिया में गेंद कहीं ना कहीं ठोकने की प्रयास किया था और अभी भी बड़ा ही तेज मुकाबला तेलगामा। इस प्रयास शुरुआती क्षण है, शुरुआती क्षण में निगाहें जमाना होगा, बढ़िया ताल में नहीं कहा जाएगा। इस बार कॉम्बिनेशन में यहाँ कहीं ना कहीं दिखा रहा है। मुआयना करने के बाद किस खिलाड़ी को देते हैं, लंबा पास निकाला है इस बार और लेकिन धीरे धीरे ही सही। इस वक्त नए पर आता हुआ नजर आ रहा है जितेंद्र सनंदर जी, आपका स्वागत है मैच पर। धन्यवाद गुलाम मुस्तफा जी, बाबा विश्वकर्मा पूजा के इस पावन मौके पर आप सभी का पश्चिमी क्षेत्र की ओर से ऑल ब्लू जर्सी में जो देख रहे हैं वो सोरेन स्पोर्टिंग क्लब महागामा टीम है और येलो पोशाक उत्तरी चल रहा है और दोनों का स्कोर सुन सुन के मुकाबले पर। लायंस क्लब देवघर फाइनल के लिए अपना सफर को तय किया है, अब देखना होगा सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला में क्या कौन सी टीम फाइनल के लिए अपना जगह को क्वालिफाई करेगी। अब देखना होगा क्या कौन सी टीम फाइनल के लिए अपना सफर को तय करेगी। नितिन का बढ़िया सफर रहा है अब तक में और ऐसे में फिर से थोड़ा सा बैक पास किया है चेस्ट डाउन करने के बाद, लेकिन उतनी ही अच्छाई के साथ लेपिन के लिए गेंद को मोड़ दिया है। मौका बनेगा गोल संभावित वाली क्षेत्र में गेंद को डालने के बाद मौका बनेगा, लेकिन यहाँ पर देवी राम का कमाल का कलेक्शन और अपने टीम के लिए जो खतरा बन रहा था उनको पूरी तरीके से समाप्त करने के बाद इस समय जितेंद्र के लिए गेंद को बढ़ा दिया गया है और एक खिलाड़ी को होल्ड करने के बाद क्या कमाल का पास निकाला है अटैक एंड थर्ड में गेंद को डालने के बाद, लेकिन अजय वासनी के लिए गेंद को बढ़ा दिया और अजय वासनी फिर से एक बार अपने सहयोगी खिलाड़ी के लिए गेंद को बढ़ाया राइट आउट के लिए और एक खिलाड़ी को टैकल करने के बाद यहां पर पेनल्टी बॉक्स के तकरीबन में गेंद को खेलने का प्रयास। जितेंद्र के लिए मौका बन रहा है बहुत ही बढ़िया तेज रन, इस बार एक खिलाड़ी को पूरी तरीके से बीट कर लिया गया है और खेल खेला है। फर्स्ट मैच की अपेक्षा सेमीफाइनल की अपेक्षा सेकंड मैच की अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ में ही 1-0 की बढ़त बना ली थी अनिल ने, लेकिन देखना होगा क्या इस मुकाबले में या यहाँ पर ग्राउंड गोल ऑडियंस को यहाँ पर मिलेगा देखने को। फिर से एक बार अजय दास की एक हुनरमंद खिलाड़ी, बहुत ही क्षमतावान खिलाड़ी, थोड़ा सा डैमेज के स्कोर खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर फिर से गेंद को प्ले में रखा है एक शॉट को होल्ड करने के बाद, लेकिन और राइट आउट के खिलाड़ी के लिए गेंद को बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं एसएस लेफ्ट के लिए गेंद को निकाला था और फिर से
इस समय जितेंद्र के लिए फिर एक बार गेंद को लिफ्ट किया गया है, मौका बनेगा बॉक्स के अंदर में, लेकिन डिफेंडर उतनी ही चतुराई के साथ गेंद को निकाल दिया है पूरी तरीके से अपने क्षेत्र से करीब, और अभी भी खटकला नहीं है अभी भी, और फर्स्ट हाफ में ही लगातार फर्स्ट हाफ में हर शॉट को ब्लॉक करने की कोशिश यहाँ पर रखते हैं। इसी के साथ फिर से एक बार अच्छा सा पास, लेकिन लॉन्ग पास, यहाँ पर गेंद पोजिशन फिर से एक बार तेलगम्मा के पास, क्या यहाँ पर गेंद को निकाल, गेंद को सुरक्षित रूप से निकाल दिया, और फिर से जितेंद्र फिर से एक बार अजय के लिए गेंद को बढ़ाया था लेकिन वहां पर प्लेस को नहीं बनाया था। ये खिलाड़ी अगर मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर प्लेस को बना करके मौका बन सकता था। फिर से एक बार आनंद यहाँ पर बॉक्स के अंदर में जितेंद्र के लिए गेंद को बढ़ाने की कोशिश, लेकिन उतना सही पास नहीं कहा जाएगा, बॉक्स के अंदर में तकरीबन मौका बनेगा। राइट आउट के लिए गेंद को सटका दिया गया है, इस बार मुझे लग रहा है मौका बनेगा, क्या वो समूह क्षेत्र में गेंद को डालने के बाद अभी भी खतरा ही है, लेकिन यहाँ पर देवीराम क्या कमाल का गोल कीपिंग रहा है, नौ के पास जिस तरीके से अवसर बन रहा था, कम से कम बहुत ही ज्यादा खेल का क्षमतावान खिलाड़ी है और पूरी तरीके से गेंद की गति गेंद की रफ्तार को समझा था और खतरों का बादल जो बना था अपनी टीम के लिए पूरी तरीके से समाप्त करता हुआ पिछले बार बॉक्स के अंदर में। लेकिन डिफेंडर मैंने पहले ही कहा फर्स्ट हाफ में जितने भी अवसर को बनाया है फर्स्ट गोल को दागने के लिए हर कोशिश को नकाम करते हुए फिर से एक बार गुणार्पण खिलाड़ी थोड़ा सा पास बढ़ाया लेकिन उतना सेटिंग पास आया नहीं खिलाड़ी का, क्या कमाल का खेल, फिर से एक बार थोड़ा सा दबदबा में वापसी की है एक खिलाड़ी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बेक पास आनंद के लिए गेंद को फिर से एक बार लिख गया है, लेकिन के क्षेत्र में मौका बनेगा फिर से एक बार शक्तिशाली शॉट, लेकिन थोड़ा सा बेक पास किया है, इस बार मौका बनेगा आनंद के लिए थोड़ा सा गेंद को बढ़ाया, फिर से एक बार आनंद और जितेंद्र थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यहां बना रहे हैं, लेफ्टिन के लिए गेंद को बढ़ा दिया गया है, इस बार मौका पूरी तरीके से बनेगा, लेकिन यहां पर आनंद सुरक्षित रूप से यहां पर हेडअप के जरिए गेंद को लेने की कोशिश एक बार बॉक्स के अंदर में, लेकिन डिफेंडर का उतनी ही अच्छा चतुराई हेडअप के जरिए गेंद को निकाला, दोनों ही खिलाड़ी डिफेंडर को दाग देना होगा, फर्स्ट हाफ में दोनों ही खिलाड़ी जिस तरीके से अवसर को बनाया है कमाल का, बॉक्स के अंदर में गेंद को डालने के बाद मेरे ख्याल से मौका बनेगा, बहुत ही शक्तिशाली शॉट ये खिलाड़ी ने लगाया था, लेकिन फिर से एक बार ऑफ टारगेट, थोड़ा सा बेक पास करने के बाद दोनों ही खिलाड़ी वहां पर थोड़ा सा लंबा लंबा पास देने की कोशिश कर रहे हैं, वन फर्स्ट टाइम पास देने की जरूरत है, यहाँ पर रिबाउंड स्टांस और फिर से ज्यादातर फर्स्ट हाफ में दबदबा को कायम रखी है दिलगम्मा के ऊपर में, फिर से एक बार जितेंद्र के लिए गेंद को बढ़ाया था कि वहां पर प्लेस को नहीं बनाया था और डिफेंडर का अच्छा बचाव आनंद के लिए गेंद होगा चेस डाउन करने के बाद आनंद सुरक्षित रूप से वही दिशा में फिर से एक बार गेंद को मोड़ दिया है, लेकिन डिफेंडर कोई मौका नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट हाफ में जितने भी अवसर को बनाया है गोल में दागने के लिए हर संभव को यहाँ पर हर संभव के ऊपर में पानी फेरने का काम किया है डिफेंडर, लेकिन मलिंगा ऐसे मंजा हुआ खिलाड़ी है इतनी आसान नहीं होगा इसको बीट करना, और कहीं ना कहीं देवीराम फिर से एक बार गेंद को अपनी गिरफ्त में किया और जितेंद्र के लिए गेंद को टारगेट किया गया है, जितेंद्र जब तक गेंद को लेते और विपिन वहां पर मौजूद है और एफसी महागमा की तरफ से जितने भी चार खिलाड़ी हैं दिलगम्मा से खेल रहे हैं, और कई बार मैंने पहले ही कहा इस खिलाड़ी को मैंने देखा है एक ही टीम से खेलते हुए दोनों तरफ के खिलाड़ी, और ऐसे में कोई मौका नहीं देगी, शुरुआत गतिमान चलायमान होता है, देखना है वाइट लाइन से आक्रमण यहाँ पर तिलगम्मा के खिलाड़ी नाइन नंबर का सिख लेके जाने कुछ नहीं कर पाया, सर नहीं छोड़ पाए वहां पर अशोक सरे में ये बोला बन रहा था क्रॉस का अच्छे स्टाउन करने के बाद 12 नंबर जस्सी ने गेंद को होल्ड किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को लॉफ्ट किया आसमानी शॉट में हाथ राइट विंग खिलाड़ी राइट फुट का इस्तेमाल सुंदर तरीके से गेंद को निकाला था, एक लंबा पास खेला था वहां पर जोन के अंदर गेंद को फेंकेला था, लेकिन कमाल की डिफेंडिंग एक बार फिर से एक बार फिर से यहाँ पर मौका बनेगा बात लाएंगे लेने के लिए, लेकिन बहुत पोजिशन इस समय तिलगम्मा के पास बड़ी बाकी है, धीरे धीरे की खिलाड़ी इसको ढूंढ रही है मोमेंटम तलाश रही है दोनों टीमें और अभी तक जगह भी रह गए और तक दो के पहले हम थे ऑन द टारगेट शॉट भी देखने को मिला लेकिन ढूंढा नहीं पाए उस अवसर को, एक बार फिर से बहुत बड़ी समस्या है तिलगम्मा के पास, अच्छा बीच क्या गेंद को वहां पर लेकिन बनेगा पास लेने का
बहुत ही अशोक सोरेन के लिए मौका मिल रहा था, लेकिन हेडर ने चुप 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 अवसर यहाँ पर गोल स्कोर बनाने के लिए एक मौका है। इस बीच खिलाड़ी भी है हिट जमाने के लिए, वहां पर देखना शुरू रहेगा क्या किस तरह से शॉट निकालते हैं और बाके जी की ओर से 100 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा जो पहला स्कोर करने वाले इंडिविजुअल को देखना है क्या पोजीशन ले पाएंगे। लेकिन नंबर 50 शॉट की घोषणा खेल की घोषणा है तो यहां की समाप्ति। मैच के गरिमा को बखूबी देवघर के हर खिलाड़ी ने समझा था और यहां गोलकीपर से प्रश्न है रेडी करके बताया। गोलकीपर ने हाथ ऊपर करके सिग्नल दे दिया है कि रेडी है और यहाँ किक ऑफ के लिए यहाँ लंबा हिट से जमाते हुए लंबा किक लेते हुए डायरेक्ट गोल पोस्ट की दिशा में इस वक्त तेलगामा के युवा खिलाड़ी लोकस बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है और बहुत ही ज्यादा मैचों के अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। दो नंबर जर्सी में इस बार हल्के से पास के लिए, लेकिन शरीर में टकराने के बाद मलिंगा ने गेंद को क्लियर किया है और से यहां पास अंदर के लिए बढ़िया तालमेल में जितेंद्र के लिए गेंद। एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद बहुत ही बढ़िया पास मौका बनेगा और सिक्स आ गया गोल होने की संभावना, लेकिन बढ़िया डिफेंडिंग आता हुआ गिरते पकड़ते लेकिन इसके बाद ठीक लड़े डिफेंस करा कुछ भी जिसके चलते कर्नल की जमा हुआ मौका को आ कहीं ना कहीं 2022 के जो संस्करण है इसमें चैंपियन बनना है क्योंकि पिछले वर्ष चूक गया था ये टीम और ज्यादा अंतराल को बाकू हरा मात्र छोटा अंतराल को मात्र ट्राई ब्रेकर या भी बढ़िया गोल को तो हरा हुआ पिछले वर्ष, लेकिन नेस बचर आदि चाहन के साथ साथ को गति मिला। नियम मैच है तीन मैच है गति नहीं राजकुमार, लेकिन नियम मैच है राजकुमार भी नहीं निकला जिसका कमी इस टीम को कर रही है। ये तो मौका वो तरीका गोली का पारे लेकिन दिशा ही एकरा जितेंद्र का गोल दगा दिया मौका था एकरा छोटा छोटा गैप रहता है एकरा जितेंद्र लेकिन लोका बांग हुई दड़ी रहा जिसके चलते थोड़ा गाम मायूस लेना जितेंद्र इस बार लंबा घिंचा पिता जितेंद्र की डाउन करेंगे। कमाल का नडे एल में क्या रिकवरी एडी बढ़िया आजू करा जितेंद्र के द्वारा ये तो लगे हुए मिस्टेडिंग लेकिन नडे फायदा भाई उठे बड़ी दा छैला गोल की पर रहा है मैं मनोज किस तरह से मेंटेनेंस करते हैं इस मैच में महागामा के टीम फाइनल में जाने के लिए। फाइनल में जाते हैं तेलगामा तो अगले बार हैट्रिक बन सकता है लेकिन महागामा बहुत ही लेकिन एक तालमेल में कभी अंतिम समय में यहाँ पिछले पैदान के खिलाड़ी को मेहनत करना पड़ रहा है और इस बार मौका गोल लगने का मिलता एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद दूसरी खिलाड़ी को ड्रिबल करने के प्रयास, लेकिन जैसे भी हो रन तो लगकर 20 जैसी पहली खिलाड़ी के पास की अजय बापू के मौका था एक पास समझ नहीं करा लेकिन अजय बापू का एकदम गहरा दरवाजा पति जिसके वजह से टैकर को मौका लगभग 50% का है। शुरुआती क्षण में जब सेमीफाइनल नहीं हो रहा था तो उस समय लग रहा था ऐसा कि
दर्शक के जिस तरह से बातें आ रही थी, आपस में चर्चा चल रहा था कि महागमा का टीम तो फाइनल में चल जाएगा, तेलगमा को तो पटक देगा, लेकिन मैदान में क्या कुछ होगा कहना मुश्किल है। फुटबॉल गोल है, गोल चीजों में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल। पिछले दो मैचों के अनुसार बहुत ही दब खेल है इस मैच में, फाइनल में होना चाहिए था। कमी महसूस हो रहा है राजकुमार का। मैं ओपेंदर और एक ओपेंदर है इस टीम में, ओपेंदर बी, मैं इसको भी नहीं देख रहा हूँ, जबकि पिछले मैच में बड़ा ही रोमांचक मुकाबला खेला था। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही कमी खल रही है इस दोनों खिलाड़ी का, और जिस तरह से पिछले मैच में स्वागत है, और इस तरह से यहाँ पर पूरा संघर्ष पूर्ण मुकाबला रहा है अभी तक। देश के हेल्थ खिलाड़ी के लिए ब्रेक पर राइट साइड से एक बार फिर से वहां पर गेंद को निकाल दिया है संजय, अपना क्या क्रॉस में पाते हैं, बहुत ही अच्छा पास निकाला है साथी खिलाड़ी के लिए, मौका बन रहा है इस पर लाइन में, मैं गेंद कहीं नहीं कहीं उनके मसूदे पे है। यहाँ पर पानी फिरता हुआ जिस तरह से यहाँ पर मैं बताया था के आसपास गेंद बढ़ा रही है, इस बार लूटिंग शॉट हवा में गेंद, लेकिन दो नंबर जर्सी अटपटे ढंग से राकेश सिंह सोरे, दो नंबर जर्सी में एक्सलेंट शॉट, तो बता रहा है ये क्वार्टर में कितनी है अन्य बात है जो बोले हम सुन सुन मां तो ये अर्जित करो हल करना ए लड़ा लंबा है कि कहीं लंबा है ये तो करना फिर तो सुना तो ना राइट आउट के खिलाड़ी देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच बॉल पोजिशन इस समय खिलाड़ी और जो दर्शक भी हमें इस मैदान पर मैं बताना चाहूंगा ताजा जानकारी, ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है बीटीएमसी तेलगामा बनाम एसएससी मागामा के बीच में, और ये सेकंड हाफ का मुकाबला है। यहाँ पर बहुत ही कुशल समय रहेगा दोनों टीमों के लिए, यहाँ से जो टीम यहाँ पर लेकिन जितना भी मेहनत कर ले अगर गोल स्कोर ना बना पाए तो सारा मेहनत आपका बेकार। इसी बीच महागमा के पास एक बार फिर से यहाँ पर बहुत ही सुंदर तालमेल के साथ खतरा हो सकता है इसके, दो खिलाड़ी गिरे हैं वहां पर, लेकिन खेल गतिमान सुलेमान और अपनी क्षेत्र से गेंद को निकाल दिया, लेफ्ट फुट का इस्तेमाल एक बार फिर से बहुत ही सुंदर तरीके से, 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी यहाँ पर बहुत ही कमाल के ये है महेंद्र पास की, एक बार फिर से बनेगा और क्रॉस तालमेल सुंदर तरीके से वहां पर ने जोन के अंदर गेंद खेला था, अच्छा पास निकाला था मलिंगा, सपोर्ट की तरह पाते हैं, देखना एक शेष रहेगा इस बीच, और एक बार फिर से डिफेंस लाइन अच्छा ब्लॉक नंबर जैसी के लिए गमर की आने को बोल 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 बत्ती में इस बीच छेला छेला खिला उसर था यहाँ पर हैदर यारू मिला से बंद नंबर जैसी पहने में और इस बार क्रॉस जरूर वहां निकाला है सुंदर तरीके से, लेकिन इसी बीच ऑफसाइड कंसीडर हुआ इस समय यहां पर शानदार जैसी पीने भी गई अम्मा की ओर से, यहां पर अनेक सॉरी हत्ता हिदार और बहुत अच्छा जजमेंट सुनाराज जी का पहली नजर यहां पर रखे हुए हैं,
इसी बीच भी लंबा ही खेल एक बार फिर से खेली थी बंद समय बाद होता हुआ इस समय देखा जाए तो दोनों की बैग जीरो जीरो और अवसर है यहाँ एक बार फिर से मैदान के मध्य रेखा से एक भेगी ठीक है राइट फुट का इस्तेमाल एक बार फिर से लंबा के लिए डिपोज करने पर खतरा हो सकता है इस समय लेकिन अच्छा किया जरूर यहाँ पर डिफेंस लाइन की ओर से एक शानदार जैसी की देंगे यहाँ पर तिलगंगा की ओर से अनेक सौ बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है इसी बीच छिला छिला करके पाले में गए छिला ने क्रॉस निकाल दिया है सुंदर तरीके से बैट में के लिए मौका बन रहा है पीछे से भेजते हैं इसी बीच एक कॉर्नर कौन सी दुआ इस समय कहा देखना कॉर्नर में कितना फायदा उठा पाते हैं अच्छा शॉट जरूर ये घटना चल रहा है इसलिए कॉर्नर हिट में मोमेंटम टप टप जिस तरह से मोमेंटम खटा है यहाँ पर राहत की सांस ले रहा है इस समय सेकंड हाफ की समाप्ति की और प्लेटी टैप टैप टैप